तो एनिमे जापान के कलाकार जो बनाते हैं वो होते हैं एनिमे, और ये जो कलाकार होते हैं वैबू वैबू वै। ये सब नहीं बता रहा मैं, तुम सबको पहले से पता होगा एनिमे क्या होता है, और जिस चिरंजीलाल को नहीं पता वो भाई एनिमे भाई, मेरे को तो बता एनिमे क्या होता है। तेरे तो मुंह पे ऑलमाइटी का चमेटा मार देना है। तूने सब्सक्राइब क्यों कर रखा है? मैं इधर छोटा भीम बनाता हूँ जैसे। छोटा भीम छोटा भीम, छोटा 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 भीम, लड्डू खाई। ये सब छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो ऐसे कई साल पहले से एनिमे को कार्टून बोलने वाले नूब्स और वीप्स के बीच में जंग चलते आ रही है। फैट अंकल्स एनिमे देखने वाले बच्चों की बेइज्जती मारते आ रहे हैं, और हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये सब खत्म कब होगा। और मैं कहता हूँ ये सब कभी खत्म नहीं होगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जिसको समझना होगा समझ जाएगा। हम क्यों थके, हमें तो अभी वन पीस भी खत्म करना है। एंड नो, ये वीडियो कार्टून वर्सेस एनिमे के ऊपर नहीं है। मैं कोई हेट फैलाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो एज अ एनिमे फैन बना रहा हूँ। मैंने क्या अच्छा देखा एंड मैंने क्या बुरा देखा एनिमे फैंस में। और देखो, एज अ एनिमे फैन मैं कार्टून्स को हेट नहीं करता। और देखो, ऐसा है कि कार्टून से मेरा मतलब ये वाले कार्टून नहीं, ये वाले कार्टून। अब देखो, ये वाले कार्टून में तुम्हें चला के तो बताने वाला हूँ नहीं, तो तुम खुद से चेक कर लेना। खैर, ये सब बातें साइड में, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे कैसे एनिमी फैंस देखने को मिलेंगे। फिलर्स देखने वाले, ये लोग इतने वेले बैठे होते कि ये लोग फिलर्स को स्किप नहीं करते, लेकिन अगर तुमने इनके सामने फिलर स्किप करने की कोशिश किया तो इनकी चिनक जाती है। और ये क्या कह तूने? फिलर था भाई, तू जानता क्या है? क्या जानना है? हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। एग्जैक्टली, ये तुम्हें भी नहीं पता कि तुम फिलर्स क्यों देख रहे हो। और तुम्हें पता है, ऐसे फिलर्स देखने से बुरी आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ने लगती है, तुम्हारी जिंदगी झंड बन जाती है। ओए झूठ मत बोल ज्यादा। अरे यार, ये तुझे पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता। शिट। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ काम की बात बताना चाहता हूँ। व्हाट इफ मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हें ये वीडियो देखने का पैसा मिलेगा? हैं भाई? हाँ, पैसा मिलेगा, और वो भी इस अमेजिंग ऐप से जिसका नाम है क्विजी। सच मानो, इस ऐप को यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप इसमें क्विज खेल सकते हो एंड पैसे जीत सकते हो 500 रुपए तक। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं खेलने के लिए। अरे क्विज खेलने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं होती इसमें, इसमें तुम डेली फ्री क्विजेस खेल सकते हो। जैसे इस वीडियो में से एक क्वेश्चन, व्हाट इज एनिमे? जैपनीज एनिमेशन। हाँ बिल्कुल सही, जैपनीज एनिमेशन। और देखो, तुम जीत गए पैसे। हे hey, मैं जीत गया, अब तो मैं खाऊंगा टॉफी। देखा कितना आसान था। और इतना ही नहीं, आप IPL मूवीज, रामायण और भी काफी क्विजेस यहाँ पर खेल सकते हो और डेली पैसा कमा सकते हो। डाउनलोड करते ही आपको 6 रुपए वॉलेट में मिल जाएंगे एकदम से। अभी डाउनलोड कर लो और मेरी वीडियोस के क्विज खेलना स्टार्ट करो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में। एनिमे कैरेक्टर्स को इम्पर्सनेट करने वाले। तुम लोग के साथ ऐसा तो हुआ ही होगा कि जब तुम कोई एनिमे खत्म करते हो तो तुम थोड़े दिन तक वो एनिमे कैरेक्टर जैसा बनने का कोशिश करते हो। जैसे वन पंच मैन, पहले मैं बाल शेव करूंगा, फिर मैं क्रिमिनल्स को मुक्का मारूंगा। भर भर जल्दी भर। सीरियस पंच। ये कौन था? पता नहीं। डेथ नोट। राजेश। पिंकू बेटा, इस बच्चे से दूर रहना, जगह जगह पे अनजान लोगों के नाम लिखते रहता है। अटैक ऑन टाइटन। अंकल एक टाइटन बनाने की इंजेक्शन लगा दो। अबे साले, येरन येगर की औलाद हमसे करोना तो भेजते बन नहीं रहा, और इनको यहाँ पे टाइटन बनना है। अंकल टाइटन बनना था, टिटनेस की इंजेक्शन को लगा रहे हो। एनिमी के लिए जान दे देने वाले। तुम अगर ऐसे लोगों के सामने एनिमी की बेइज्जती कर दो तो ये तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे तुमने इनको जिंदा मार दिया। एंड देखो, तुम गलती से भी इनके सामने एनिमी को कार्टून मत बोल देना, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? सर एनिमी की बात कर रहा है। हैं? ये क्या होता है? सर जापानीज एनिमेशन। अच्छा अच्छा, कार्टून की बात कर रहे हो। सर कार्टून मत बोलो। क्यों रे? शॉट देख लो। क्यों मारेगा तू मुझे? हैं? एनिमे देखने का नाटक करने वाले, ये दो तरह के होते, एक जिन्होंने एनिमे कभी नहीं देखा। अरे हाँ, क्या जबरदस्त आ रहे हो। हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अरे वो जो कल नया ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड आया ना। अच्छा वो? अरे उसमें गोकू ने जो मारा। हाँ हाँ, क्या मारा, पूरी चूची फोड़ दी, बाद में ड्रग्स भी मार रहे थे। और एक वो लोग जिन्होंने एनिमे तो देखा है लेकिन वो वाला एनिमे नहीं जो तुमने देखा है।
क्या था वो? हाँ भाई डेस्क, क्या तूने देखा टोक्यो घूल? क्या मैं? अगर मैंने बोला कि मैंने नहीं देखा तो ये लोग मेरे को बोरिंग समझेंगे और मेरे से बात नहीं करेंगे, मैं कूल नहीं रह पाऊंगा। यस बोल देता हूँ। यस उसमें एमसी कितना बैडएस होता है। हाँ और उसका भाई तो और भी बैडएस। वेट उसका कोई भाई भी होता है? हाँ तूने देखा नहीं क्या? अरे तो फिर स्पॉइलर को दे रहा है विकी, चल इधर से। एनिमी स्पॉइल करने वाले ये लोग ऐसे होते कि खुद तो एनिमी के मजे ले लेंगे लेकिन ना 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 किसी दूसरे को नहीं लेने देंगे। आज तो पूरा नरूटो खत्म कर दूंगा। 2 hours later. हैं विकी का मैसेज आया। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. नहीं। बट एट द एंड मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि एनिमेज अच्छे होते हैं, ठीक है, उनमें आपको कुछ नया देखने को मिलता है। अगर आप सिर्फ अभी तक इंडियन कार्टून से देखते आए हो ना तो एनिमेज आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था एनिमे, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था ये। एंड आई थिंक मैंने मेरे चाइल्डहुड में पहली बार एनिमेज देखना स्टार्ट किया था एंड लिटरली मेरी फट चुकी थी। लाइक मेरे को थोड़ा डार्क वाइब्स आता था एनिमे में से, तो मेरी फट जाती थी देखती, तो मैं ऐसे आंखें बंद करते हुए देखता था। बट ये जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं एनिमेज को ऐसे नॉर्मल वे में देखने लगा एंड मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में इनका कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब डिफरेंट रहता है, इसलिए लाइक आपको एक डिफरेंट सा वाइब आता है एनिमे देखते टाइम। तो या लाइक चाइल्डहुड में अगर आप एनिमे देख रहे हो तो रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए लाइक एनिमे में लिखे होते हैं कि आप अगर 13 ईयर्स के ऊपर हो तो आपको एनिमेज देखना चाहिए। तो या मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 13 ईयर्स के ऊपर हो चुके हो तो आप एनिमेज को देखना स्टार्ट कर सकते हो एंड लिटरली आपको लाइक बहुत सारी चीज़ें एनिमेज से सीखने को मिलता है एंड आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाते हो, पता नहीं कैसे, बट या आप मोटिवेट हो जाते हो अपने लाइफ में। तो इसलिए आपको एनिमे ट्राई करना चाहिए एंड आपको लिटरली ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा किसी भी सीरीज में, या इंडियन मूवीज में भी आपने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा जो आपको इधर पे एनिमे में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इधर पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लिटरली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आप ऐसा भी कर सकते हो लाइक आप अपने खुद के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हो, एनिमे से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, एनिमेज ऐसे वाले भी होते हैं। तो या इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनिमेज को ट्राई करो एंड छोटी बच्ची हो क्या, लाइक करो सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नए वीडियो में एंड तब तक तुम क्विजेस खेल के क्विजी में पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा एंड लेट्स डू क्विजी क्विजी। बाय बाय।